हौसला, हिम्मत, जुनून और जज्बा, हर लव से दोस्ती ज़रूरी है कुछ कर गुजरने के लिए। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी, मैं हूँ स्मिथा सिंह। और दोस्तों, आज सुनाऊंगी आपको एक ऐसी महिला किसान की कहानी जिन्हें उनका गांव और प्रदेश ही नहीं पूरा देश किसान चाची के नाम से जानता है। एक ऐसी महिला किसान जिन्होंने ना सिर्फ खुद की राहें रोशन की बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनी। किसान चाची के नाम से मशहूर इस महिला किसान का नाम है राजकुमारी देवी। उम्र है 60 के पार, लेकिन जुनून और जज्बा ऐसा कि अच्छे अच्छे सलाम करें। खेती किसानी करने का जुनून राजकुमारी देवी पर आजकल का नहीं, बरसों पुराना है। कहानी शुरू हुई 80 के दशक में, जब शादी करके राजकुमारी देवी बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के आनंदपुर गाँव में आई। ये गाँव पड़ता है मुजफ्फरपुर के सरैया ब्लॉक में। राजकुमारी जी पढ़ी लिखी थी, सो आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, लेकिन उस दौर में औरतों का घर से बाहर, दहलीज के बाहर जाना, समझना मुश्किल नहीं है कि किन हालात में उन्हें अपनी ये चाहत छोड़नी पड़ी होगी। लेकिन जिसने अपने अस्तित्व को सबल बनाने की लालसा पाली होती है, उन्हें हर अंधेरे में रोशनी की एक किरण का एहसास भी हो ही जाता है। कुछ ऐसा ही किसान चाची के साथ भी हुआ। शादी के कुछ समय बाद ही परिवार से उन्हें अलग कर दिया गया, तो रोटी के जुगाड़ की चिंता उन्हें सताने लगी। वो नौकरी नहीं कर सकती थी, लेकिन कुछ तो करना था कि ललक में उन्होंने खेतों का रुख किया। उस वक्त आनंदपुर समेत आसपास के ज़्यादातर इलाके में नशे की खेती का चलन था। नशे की खेती यानी कि दूसरी फसलों के मुकाबले गांजा और तंबाकू ज़्यादा लहराता था खेतों में, इसलिए लोगों को नशे की गिरफ्त में होना भी वहाँ स्वाभाविक था। लेकिन राजकुमारी जिन विचारों और स्वभाव की थीं, उन्हें नशे से भरा ये माहौल, नशे में धुत मर्दों का अपनी बीवियों को पीटना, टॉर्चर करना, ये सब कुछ उन्हें बहुत अखरता था, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, सो नशे के अंजाम से भी वो अच्छी तरह वाकिफ थी। इसलिए मन में हमेशा ये उधेड़बुन उनके चलती रहती थी कि क्या ऐसा करें जो ये सब बंद हो सके। तो फैसला किया कि वो खेती करेंगी, ऐसी खेती जिसमें लागत कम और मुनाफा अच्छा हो। सो मन बनाया कि जहर के वर्चस्व को मिटाने के लिए फलों की खेती सजाएंगी। बस फिर क्या था, पति का साथ मिला तो उनके सफ़र की शुरुआत हुई और फलों की व्यावसायिक खेती उन्होंने शुरू की। अपनी खुद की ज़मीन पर उन्होंने केले, लीची, आम, सूरन और पपीते की खेती की, और ये सिलसिला आज तक बदस्तूर जारी है। जब राजकुमारी देवी ने फलों की खेती की शुरुआत की तो आसपास के किसानों ने उनका खूब मजाक उड़ाया, क्योंकि उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं था कि गांजे और तंबाकू की खेती से ज़्यादा मुनाफेमंद भी कोई खेती हो सकती है। लेकिन जब पैदावार अच्छी हुई, लागत से ज़्यादा मुनाफा मिला, तो दूसरे किसानों ने भी फलों और सब्जियों की खेती का रुख किया। हालांकि गांजे और तंबाकू की खेती से एकदम दूर होना वहाँ के लोगों के लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और राजकुमारी के खेतों में लहलहाती फलों की खेती गाँव वालों को अपनी ओर खींचने लगी। राजकुमारी को इस मुहिम में अपने पति का जहाँ पूरा साथ मिला, साथ ही कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों ने भी उन्हें पूरा सहयोग किया, जिसके बाद उन्होंने सरकार की तरफ से दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। तमाम योजनाओं की जानकारी लेने के साथ साथ राजकुमारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत चलाए गए कार्यक्रमों में भी शामिल हुई और धीरे धीरे उनके कदम इस मंजिल की ओर बढ़ते गए। लेकिन अकेले नहीं, दूसरों को साथ लेकर राजकुमारी ने गाँव की और महिलाओं को भी खेती से जोड़ा, खेती संबंधी प्रशिक्षण लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया और इकट्ठे होकर अपना एक स्वयं सहायता समूह बनाया, जिससे उनकी व्यावसायिक खेती को भी बल मिला। दूसरों में खेती का अलख जगाने की उनकी ये मुहिम निरंतर जारी रही। अपने गांव की महिलाओं को खेती के गुर सिखाने के बाद उन्होंने दूसरे गांवों का रुख किया। वो रोज़ाना घर से बाहर निकलती अपने काम निपटाकर खेतों के लिए, और फिर साइकिल लेकर निकल जाती आसपास के गांवों में। और जुनून देखिए, 40-50 किलोमीटर साइकिल चलाकर दूसरे गांवों में पहुँचती, वहाँ की औरतों से बातें करती, उनकी परेशानियाँ सुनती और उन्हें खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती। धीरे धीरे आस पड़ोस के गांवों की महिलाएं भी खेती की इस मुहिम में उनके साथ हो गईं और इस मुहिम की कामयाबी ने राजकुमारी देवी को बना दिया किसान चाची।
राजकुमारी देवी और उनके आसपास के गांवों की ज़्यादातर महिलाएं किसानी में बढ़ चढ़कर अपना योगदान आज दे रही हैं और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के बाद उनकी आर्थिक दिक्कतें भी खत्म हो गई हैं। महिलाएं जहां आर्थिक और मानसिक रूप से सबल हुई हैं, वहीं नशाखोरी का भी खात्मा हुआ है और फलों और सब्जियों की खेती बढ़ती जा रही है और इनके उत्पाद की चर्चा दूर दूर तक आज इसलिए भी है क्योंकि राजकुमारी देवी जो खेती करती हैं वो पूरी तरह जैविक खेती है। किसान चाची के खेती के तरीकों की एक और खासियत ये है कि वो अपने खेतों की जो सब्जियां उगाती हैं उनमें ओल जो वो उगाती हैं उसे सीधे मार्केट में एक्सपोर्ट करने की बजाय वो उसका अचार बनाकर बाजार में बेचती हैं और आज उनके स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाया जा रहा अचार बाजार में अच्छा खासा बिक रहा है। आसपास की औरतों को आत्मनिर्भर होने के गुर सिखाने वाली किसान चाची अभी तक 40 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूहों का गठन कर चुकी हैं। किसान चाची ना सिर्फ लोगों को किसानी के लिए प्रेरित करती हैं बल्कि उनके खेतों की माटी देखकर उन्हें ये सुझाव भी देती हैं कि वो अपने खेत में कौन सी फसल लगा सकते हैं। खेती किसानी के क्षेत्र में किसान चाची के नाम से मशहूर राजकुमारी देवी समाज कल्याण के कामों में भी अपना योगदान देती हैं, जैसे विधवा विवाह पर लगी रोक को हटाने के लिए और बाल विवाह को रोकने के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। वाकई किसान चाची ने अपने जुनून और जज्बे से देश भर में मिसाल कायम की है। बिहार सरकार ने भी उन्हें हौसला अफजाई के लिए सम्मानित किया है और उनके सफ़र और अनुभवों से औरों को भी प्रेरणा मिले इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा किसान चाची पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई है। आज किसान चाची सफलता की जिस बुलंदी पर हैं उसका श्रेय वो अपने पति को देती हैं। वो कहती हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में पुरुषों का अहम योगदान होता है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि किसी दूसरे का साथ, उत्साह और प्रेरणा तभी काम आती है जब पहले इंसान खुद में ये ठाने कि उसे आत्मनिर्भर बनना है और किसान चाची की यही हट आज उन्हें इस मुकाम पर लाई है। ग्रीन टीवी देश की सबल महिला किसान को सलाम करता है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक और बात, अगर आपने ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।